हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया स्पेक XL 7 फेसलिफ्ट में सुजुकी स्मार्ट ई मिरर आता है, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा की फुटेज IRVM पे ही देखी जा सकती है। खैर, अगर आप इंडिया में XL 6 ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी बताएंगे। एंड वी विल ऑल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी सिटी एफिशिएंसी के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। टैंक टू टैंक मेथड से XL 6 की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो ट्रिप ए इज नाउ सेट टू 0। ट्रिप बी को भी हम 0 कर देंगे और इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को भी अब हमने रीसेट कर दिया है। अब हम XL 6 को प्राइमरीली दिल्ली NCR में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए चलाएंगे, जिसके बाद इसे वापस रिफ्यूल करके ये देखेंगे कि टैंक टू टैंक मेथड से XL 6 ऑटोमेटिक की रियल फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में क्या होगी। हम XL 6 ऑटोमेटिक को जून एंड में ड्राइव कर रहे हैं विद ओवरकास्ट कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ लेस देन 40 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन, हम थ्रू आउट इसका AC 23 टू 25 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। XL 6 में ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, बट टू इंश्योर कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी वो हो जो सभी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपके लिए भी अचीवेबल हो, तो हम इसे ऑफ करके रखेंगे ताकि इसका AC हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस पे रहे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। हमने अभी XL 6 ऑटोमेटिक में सिटी में 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने 2 आवर्स में कंप्लीट किया, तो हमारी एवरेज स्पीड अभी 25 किलोमीटर्स पर आवर है और अभी इस टाइम पे इसके डिस्प्ले में हमारी फ्यूल एफिशिएंसी 13.3 किलोमीटर्स पर लीटर आ रही है। XL 6 का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। एंड लाइक यू नो, वी आर ड्राइविंग द ऑटोमेटिक। इस इंजन का मैक्सिमम पावर आउटपुट 103 PS है और पीक टॉर्क 137 Nm। ये सेम इंजन अर्टिगा में भी आता है और इसका पावर आउटपुट नेचुरली एस्पिरेटेड कारंस पेट्रोल से कम है। दैट सेड, XL 6 की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी कारंस से बेटर है और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये 20 km/L से ज़्यादा है। सिटी ड्राइव के पर्सपेक्टिव से XL 6 की ड्राइविंग पोजीशन कमांडिंग है एंड यू गेट अ गुड क्लियर व्यू ऑफ आउटसाइड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आता है एंड वी फाइंड द फ्रंट कैमरा टू बी वेरी यूजफुल इन पार्किंग इट इन टाइट स्पेसेस। XL 6 को हमने अब सिटी में अराउंड 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 4 आवर्स 15 मिनट्स में कंप्लीट किया, विच मीन्स कि हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 23 किलोमीटर्स पर आवर रही और इस ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले में हमारी फ्यूल इकोनॉमी अभी 13.1 किलोमीटर्स पर लीटर आ रही है। अब हम यहाँ से नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है और हमारी एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी क्या आती है।
एक्सल 6 को कम्प्लीटली रिफिल करने के लिए हमने इसमें 7.10 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स फॉर द 100 किलोमीटर्स दैट वी ट्रैवल्ड इन द सिटी इसने हमें अराउंड 14 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी दी, विच इज़ मोर दैन द इंडिकेटेड फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 12.9 किलोमीटर्स पर लीटर। चलिए अब हम इसे हाईवे पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि हाईवे पे ये एक्चुअल कितनी फ्यूल इकोनॉमी देती है। टैंक टू टैंक मेथड से एक्सल 6 ऑटोमेटिक की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो नाउ द ट्रिप ए इज सेट टू जीरो, इसका ट्रिप बी भी जीरो पे रीसेट करेंगे और अब इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को भी रीसेट कर दिया है। तो अब हम एक्सल 6 ऑटोमेटिक को सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे और वहाँ पे अराउंड 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करके वापस रिफ्यूल करवा के ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल टैंक टू टैंक मेथड से हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। एक्सल 6 तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जीटा, अल्फा और अल्फा प्लस, और तीनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। सभी वेरिएंट्स में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 1.5 लाख रुपीज़ का है और एक्सल 6 के टॉप अल्फा प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस 14.66 लाख रुपीज़ है। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम दिल्ली हैं, लेकिन अगर आप अपनी सिटी में इसके ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो वो B3 कार्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर आप एक्सल 6 ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो इसके प्राइसेस और फीचर्स के बेसिस पे इसका जीटा वेरिएंट ले सकते हैं, इट इज़ सूटेबली लोडेड। ऐसे बायस जो मॉडर्न डे फीचर्स के लिए वैल्यू पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो अल्फा वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक्सल 6 का हमारा डिटेल्ड वेरिएंट वाइज एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने अब एक्सल 6 को ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स के लिए हाईवे पे चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 1 hour 10 minutes में कंप्लीट किया, विच मींस आर एवरेज स्पीड इज अराउंड 85 किलोमीटर्स पर आवर। अब इस ड्यूरेशन में इसने हमें ऑन डिस्प्ले की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 17.5 किलोमीटर्स पर लीटर शो की है। हम अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जयपुर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन अराउंड 200 किलोमीटर्स पे ही मिलेगा। एनीवे, कंसीडरिंग द फैक्ट के एक्सल 6 एक 6-सीटर कार है, इसकी पावर टू वेट एंड टॉक टू वेट रेशियोज बहुत इंप्रेसिव नहीं है, तो अगर आप फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल करते हैं एंड यू आर ऑल्सो कैरिंग लगेज तो ये मॉडेस्ट परफॉर्मेंस ही ऑफर करती है। ऐसे में एज अ ड्राइवर आई फील दैट दिस इज अ कार जिसमें यू वुड नॉट वॉन्ट टू लूज मोमेंटम क्विकली वाइल ड्राइविंग, विच मीन्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड हाईवे आपको इसमें एक ऐसी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए जिसपे आपको फ्रीक्वेंट हार्ड ब्रेक ना करना पड़े। फॉर ड्राइविंग कार्स लाइक द एक्सल 6 ऑन हाईवेज मुझे क्रूज कंट्रोल एज अ फीचर भी यूजफुल लगता है। सिंस एक्सल 6 इज नॉट वेरी क्विक सो इट टेक्स टाइम टू गेट अप टू हाई स्पीड्स। ऐसे में अगर आप स्लो मूविंग ट्रैफिक के पीछे ब्रेक करते हैं तो जल्दी स्पीड पिक करने के लिए क्रूज कंट्रोल यूज कर सकते हैं। दिस वे यू डोंट हैव टू ऑलवेज प्रेस द एक्सेलरेटर hard to gain speed and feel unfulfilled in the process. हमने अब एक्सल 6 ऑटोमेटिक को हाईवे पे अराउंड 200 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 2 hour 15 minutes में कंप्लीट किया, विच मीन्स कि इस ड्यूरेशन के लिए हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 90 किलोमीटर्स पर आर रही। ऑन डिस्प्ले अभी हमें ये 17.9 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है एंड नाउ वी गो टू द नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन ये देखने के लिए कि अब इसमें कितना फ्यूल रिफिल होगा और हमारी टैंक टू टैंक मेथड से हाईवे की एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी।
एक्सेल 6 को हमें कम्प्लीटली रिफिल करने के लिए इसमें 11.68 लीटर्स का फ्यूल फिल करना पड़ा, विच मीन्स फॉर द 205 किलोमीटर्स दैट वी ड्रोव इट, इसने हमें 17.5 किलोमीटर्स पर लीटर के अराउंड की फ्यूल एफिशिएंसी दी, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द 17.7 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी ऑन द डिस्प्ले। चलिए अब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि आपको मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे कंडीशंस में क्या फ्यूल इकोनॉमी देगी। XL6 ऑटोमेटिक में हमने सिटी का 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 4 आवर्स 20 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 23 किलोमीटर्स पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 13 किलोमीटर्स पर लीटर। लेकिन जब हमने फ्यूल रिफिल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी केम आउट टू बी 14 किलोमीटर्स पर लीटर। हाईवे के 205 किलोमीटर रन को हमने 2.5 आवर्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 82 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 17.8 किलोमीटर्स पर लीटर थी, वेयर एज एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी वाज 17.55 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप एक्सेल 6 को मोस्टली हाईवेज पे ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे 16 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 700 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 14 टू 15 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं and the driving range will be upwards of 600 kilometers on a full tank. On the basis of your drive mix between city and highway, आप इस टेबल में XL6 automatic की actual fuel efficiency और expected driving range देख सकते हैं. Based on V3 cars tests, चलिए देखते हैं XL6 automatic actual tank to tank fuel efficiency में कौन सी rank पे आती है. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2023 में टेस्टेड 8 कार्स में से अभी तक XL6 ऑटोमेटिक की रैंक 3rd है। इसकी हाईवे टू सिटी मिक्स्ड 50-50 फ्यूल एफिशिएंसी 15.62 किलोमीटर पर लीटर है एंड इट इज अराउंड 3.5 किलोमीटर पर लीटर मोर फ्यूल एफिशिएंट देन किया कारेंस टर्बो ACMT। अभी तक के V3 कार्स के फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में हाईराइडर हाइब्रिड सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार रही विद मिक्स्ड एफिशिएंसी ऑफ 20.5 किलोमीटर्स पर लीटर। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके XL6 ऑटोमेटिक की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर XL6 से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।